आलू का हलवा बनाने के लिए 3 मीडियम साइज के बॉयल्ड आलू, 2 बड़े चम्मच चीनी, 1 छोटा चम्मच घी, 1 छोटा चम्मच गरम दूध, थोड़े से ड्राई फ्रूट और 4 से 5 केसर की पत्तियों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले 2 चम्मच गरम दूध लेके और उसमें ये केसर डाल देंगे ताकि ये इसमें घुल जाए। सबसे पहले एक पैन गरम करके उसमें ये चीनी और ये केसर वाला दूध डाल देंगे और इसे चीनी को पिघलने देंगे। अभी चीनी पिघल गई है, इसमें हम दूध की जगह 2 छोटे चम्मच पानी का भी यूज कर सकते हैं। अब ये आलू हम मैश करके डाल देंगे। इसको चम्मच से अच्छी तरह मैश कर देंगे। इसको अच्छे से चीनी को मिक्स करने के बाद ये घी डाल देंगे। घी मिक्स करने के बाद इसमें ये ड्राई फ्रूट डाल के अच्छे से मिला देंगे और इसे पकने देंगे थोड़ी देर के लिए। ये जितना ज़्यादा पक जाएगा उसका टेस्ट उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसको 10 मिनट मैंने पका लिया है धीमी आंच पे। अब ये रेडी है। अब गैस बंद करके और इसको बाउल में निकाल लेंगे। निकाल लेते हैं। आप चाहें तो इसको बिना केसर के भी बना सकते हैं। लीजिए, तैयार है हमारा आलू का हलवा।